हिस्टोरिक मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे, जो मेरे को याद है जो मैंने यहाँ पे देखा था इस स्पेक्टेक्टर 2011 में इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल। टिकट सेल्स हमारी भी ऑनलाइन पेटीएम पे भी चल रही हैं, पेटीएम इनसाइडर पे, और ऑफलाइन पीसीए के काउंटर में भी चल रही हैं। मोहाली में CP67 मॉल है, वहाँ पे चल रही हैं। तो सर्दियाँ देखिए पूरे जोरों पर हैं, लेकिन जो क्रिकेट फीवर है ना वो हमेशा से रहता ही रहता आया है। मुझे भी सर्दी तो लगी रही है, और क्योंकि मैं इस समय मोहाली स्टेडियम में हूँ। 11 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच यहां पर T20 मुकाबला खेला जाएगा IAS बिंद्रा स्टेडियम में, और शायद ये लास्ट मैच भी हो। शायद इसलिए कह रहा हूं कि जो क्रिकेट है ना संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन इस ग्राउंड की बात करें तो शायद इसलिए कि मुलना पर ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं पूरी तरह तैयार है। तो इसलिए कह रहा हूं कि शायद इस स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी को जो T20 मुकाबला है वो शायद इस मैच में आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है। लेकिन 11 जनवरी की क्या तैयारी है वो दिखाएंगे। पिच पे देखिए तैयारी है, रोलर है, सब कुछ है, काम चल रहा है, और मेरे साथ पीसीए के सचिव दिलशेर खन्ना जी मौजूद होंगे और वो बताएंगे तैयारियों को लेकर, क्योंकि मैं जैसा उनको वर्ड यूज किया कि लास्ट मैच, तो क्या वाकई लास्ट ओवर, अभी तक क्या टिकट सेल हुई है, पीछे कुछ काम भी चल रहा है वो भी दिखाऊंगा। पहले मैं दिलशेर जी से सवाल पूछता हूँ, दिलशेर जी क्या ये लास्ट मैच होगा या संभावना क्या है? देखिए वो स्टेडियम तो तैयार ही है, आपने देखा है। अब अगला मैच कब हमें अलॉट होता है उस पर डिपेंड करेगा, बट जी हमारी प्लानिंग यही है कि IPL वहीं पे होगी, नई स्टेडियम। बिल्कुल। अच्छा 11 को लेके क्या तैयारियां यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो पेवेलियन है, ड्रेसिंग रूम है या लॉन्ज एरिया, वो नीचे कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। हमारा जी ये पूरा पवेलियन का जो नीचे ड्रेसिंग रूम्स हैं, जो लॉन्ग रूम है, रिसेप्शन एरिया, एंट्रेंस, अब आप देखेंगे लोग जा भी रहे हैं, ये सारा हमारा रिफर्बिश हुआ है जी। और तैयारी में अभी बस सफाई हो रही है, फिनिशिंग हो रही है पूरे स्टेडियम की। आपने देखा सीटें भी आप ऊपर देख रहे होंगे पवेलियन टेरेस की, पेंट हुई है जी। और ग्राउंड तो राकेश जी हमारे बेस्ट क्यूरेटर ही हैं, तो वो तो जो तैयारियां करते हैं, बट हमारी तरफ से हम पूरे मैच को धूमधाम से करवा रहे हैं। देखिए 11 जनवरी का मैच है, तो टीमें कब आ रही हैं, टिकट सेल किस तरह से हो रही है? टीमों का जी मैं एग्जैक्ट शेड्यूल तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है उसमें, बट टीमें बस अब 11 को मैच है तो आप ले लीजिए कि कल परसों से शुरू हो जाएगा एक्शन। टिकट सेल्स हमारी भी ऑनलाइन पेटीएम पे भी चल रही है, पेटीएम इनसाइडर पे, और ऑफलाइन पीसीए के काउंटर में भी चल रही है। मोहाली में CP67 मॉल है, वहां पे चल रही है। मनी माजरा में एक मीना बाजार नाम का आउटलेट है, वहां पे चल रही है। फिजिकल भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन तो पेटीएम साइड पे चल रही है। और इस पर रेट भी हमने देखा था कि टिकट्स हैं, जबरदस्त सिंह स्टैंड की बात हो 2500 रुपए है, युवराज सिंह स्टैंड 2000 1500 1500 स्टूडेंट्स जी, और एक स्टूडेंट टिकट भी है जो 100 रुपीज वाली 100 है, बट वो अगेंस्ट स्टूडेंट आईडी है। हाँ। उसमें एक लिमिटेड नंबर है, बट बेसिकली हमने प्राइसेस इसलिए कम किए हैं ताकि सर्दियों का मौसम है, जितने भी लोग आके स्टेडियम में, और अगर हो सका तो लास्ट मैच भी हो सकता है, तो जितने भी लोग आके मजा ले सके वो ले। अच्छा देखिए सर्दी का मौसम है और फॉग वैसे भी पड़ रही है, हम लोग क्योंकि जहां पे रहते हैं जिस चंडीगढ़ मोहाली की बात करें, तो मौसम को लेके क्या लगता है आपको कि फॉगी, क्योंकि शाम को मैच होना है, प्रेडिक्शन तो वही है, अभी आप देखिए कि 4 डिग्री 5 डिग्री तक तापमान कम ही जा रहा है। देखिए इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट हम तो यही संभावना करेंगे कि उस दिन फॉग मत हो, बट हमारे अरेंजमेंट्स फुली इन प्लेस हैं, तो जो भी कंडीशंस इंटरनेशनल मैच की होती हैं वो सारी होंगी। अच्छा मैं फिर से उस बात पे आऊंगा कि इस स्टेडियम से तो जब आप छोटे थे आप क्रिकेट भी खेले हुए हैं ना, आपने खेला भी हुआ क्रिकेट, और एक यादें जुड़ी होती हैं, और आपकी टीम के रहते, पीसीए के रहते नया स्टेडियम बना है। मैं एज ए सचिव नहीं, एज एक क्रिकेटर और एज एक आम नागरिक इतना पूछना चाहूंगा कि वाकई स्टेडियम ने भारत को भी कई यादें दी हैं। जी तो बहुत हिस्टोरिक मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे, जो मेरे को याद है जो मैंने यहाँ पे देखा था स्पेक्टेटर 2011 में इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल, बट उसके अलावा भी इतने सारे मैचेस उसके पहले भी हो चुके हैं। इनफैक्ट हमारा जो हमने रिफर्बिशमेंट करी है लॉन्ग रूम और ड्रेसिंग रूम की, इसमें एक गैलरी भी बनाई है छोटी सी, जो मेजर प्रोमिनेंट मोमेंट्स इस स्टेडियम में रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, वो भी तो कल परसों जब अनवेल होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो और नए स्टेडियम में हम एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बना रहे हैं। अच्छा। ताकि जो जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ यादें जुड़ी हैं इंडियन क्रिकेट की, वो सब देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशेर जी, थैंक यू। तो 11 जनवरी के लिए तैयार है, पिच पे देखिए पूरी तरह ग्राउंड को सजा दिया गया है, और जो तैयारी होती है ना ग्राउंड स्टाफ की वो अपनी अलग जगह होती है। आप देख सकते हैं कि पीछे मैं कहूंगा कि रोलर जो है वो पड़ा हुआ है, पिच की तैयारी की बात करें तो
ग्राउंड स्टाफ भी पूरा ग्राउंड को मेंटेन करना, और लास्ट मैच में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस स्टेडियम से काफी यादें खिलाड़ियों की जुड़ी हुई हैं। ये वही स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन पूरे किए थे, डेब्यू चाहे हम बात करें कई प्लेयरों का यहां पे हुआ है, कईयों के लिए यह मैदान लकी साबित हुआ है, चाहे वो इंडियन टीम के एंट्री की बात हो। तो अब 11 जनवरी के बाद देखना होगा कि हालांकि क्या रहता क्या नहीं, लेकिन 11 जनवरी के मैच में जो मौसम है उसका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि यहां पर अभी जो अलर्ट भी है काफी ठंड तो रहने वाली है, लेकिन जो धुंध है फॉग है वो एक बड़ा इशू है। क्या उस दिन रहेगी नहीं रहेगी वो मौसम पे डिसाइड करेगा, लेकिन ठंड में क्रिकेट का मजा जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 मोहाली।